नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो नवरात्र व्रत का पारण आपको कब करना है? अष्टमी के दिन, नवमी के दिन या दशहरा के दिन? कल है नवमी की तिथि, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि हमें पारण किस दिन करना चाहिए। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप व्रत रखते हैं और अष्टमी या नवमी की पूजा करते हैं तो आप नवमी के दिन पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उपवास करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर व्रत कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग खाने पे करते हैं, कुछ लोग पीने पे करते हैं, कुछ लोग फल फ्रूट पे करते हैं, अलग अलग तरीके से व्रत करते हैं, तो उसके अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ कि पारण आपको करना है दशमी के दिन, यानी 5 अक्टूबर जिस दिन माता विसर्जन होता है उसी दिन आपको जो पारण है करना है। नवरात्रि व्रत का ख़ास तौर पर इस चीज़ में ध्यान रखना, चाहे आप कुलदेवी की पूजा करते हो, चाहे अष्टमी की करते हो, नवमी की करते हो, चाहे दशमी की करते हो, लेकिन पारण दशमी के दिन होना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक